Today we're going to look the topic onco protein and cell growth. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो ऑन्को प्रोटीन होता है बेसिकली जो ऑन्को ऑन्को प्रोटीन होते हैं उनके मल्टीपल रोल होते हैं. इट हैज द मल्टीपल रोल. बट वर्चुअली क्या होता है, वर्चुअली सारे के सारे ऑल की इनकोड्स इंकोड करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव ऑन्को प्रोटीन. एक्टिव ऑन्को प्रोटीन जो कि दैट पार्टी जो कि पार्टिसिपेट करता है, दैट पार्टिसिपेट इन सिग्नल सिग्नलिंग आई मीन सिग्नलिंग पाथवे. ठीक है, ये ड्राइव करता है प्रोलिफरेशन ऑफ सेल को. तो इसी ये हो गया. उसके बाद एक ये आता है कि जो प्रोटो ऑन्कोजिन होते हैं, जो प्रोटो ऑन्कोजिन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द नॉर्मल रेगुलेटेड वर्जन ऑफ ऑन्कोजिन होते हैं. मतलब कि प्रोटो ऑन्कोजीन मतलब नॉर्मल रेगुलेटेड वर्जन ऑफ ऑन्कोजीन, मतलब नॉर्मल जीन होते हैं. ठीक है, और जो प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं क्या करते हैं, कोड करते हैं, दे मे इनकोड द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, देन सिग्नल ट्रांसड्यूसर, देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. आफ्टर दैट सेल साइकिल कंपोनेंट. ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजिन क्या क्या इनकोड करते हैं, ग्रोथ फैक्टर को, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को, सिग्नल ट्रांसड्यूसर को, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, सेल साइकिल कंपोनेंट को. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसे हम एक एक को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रोथ फैक्टर. तो हम ग्रोथ फैक्टर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द ग्रोथ फैक्टर होते हैं दे आर मेड बाई वन सेल टाइप. ठीक है, ये क्या करता है, एक्ट ऑन नेबरिंग सेल. ठीक है, ये नेबरिंग सेल पे एक्ट करता है ऑफ डिफरेंट टाइप. ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि एक्सप्रेस करता है ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर को, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराक्राइन एक्शन. ठीक है, नॉर्मली है कि जो मोस्ट ऑफ द ग्रोथ फैक्टर होते हैं एक सेल टाइप के, मतलब एक सेल मोस्ट ग्रोथ फैक्टर मेड बाय वन सेल टाइप, और वे एक्ट करते हैं नेबरिंग सेल पे. ठीक है, अलग अलग तरह के नेबरिंग सेल पे, और एक्सप्रेस करते हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को, जिसको बोलते हैं पैराक्राइन एक्शन. बट अगर कैंसर सेल की बात करें तो वो सिंथेसाइज कर लेते हैं सेम ग्रोथ फैक्टर को. ठीक है ना, टू बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद मतलब कि अपने आप को ऑटोक्राइनली मतलब ऑटोक्राइन लूप बना देते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मली पैराक्राइन एक्शन एंड ऑटोक्राइन एक्शन ऑफ द कैंसेरियस सेल. जैसे अगर एग्जांपल की आप देखोगे, जैसे एक होता है ब्रेन ट्यूमर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लियोब्लास्टोमास. ठीक है ना, ये क्या करता है, इट एक्सप्रेस बोथ, जैसे प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर भी होते हैं और प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स भी होते हैं. ठीक है, इसी तरह जो बहुत सारे सार्कोमास भी होते हैं, ओवर एक्सप्रेस करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा को. ठीक है ना, और उसके रिसेप्टर दैट इज द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को. ये एक हो गया, और क्या हो गया, मिनी सार्कोमा का एक्सप्रेस करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड इट्स रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर. अब एक और आता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स. ठीक, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑन्कोजिन जो होते हैं क्या करते हैं, दे इनकोड फॉर
ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, उसमें क्या होता है और भी क्या होते हैं रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज जो होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें इन कैंसर। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होते हैं ना वो क्या होता है, दे आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, दे आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर मतलब क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ ऑन्कोजीन जो होते हैं और इनकोड करते हैं फॉर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैंसर में। रिसेप्टर ट्रांस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो होते हैं उसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है विथ एन एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग डोमेन, क्या होता है ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग डोमेन होता है और क्या होता है एंड ए साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज डोमेन, ठीक है। तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ ऑन्कोजीन जो होते हैं इनकोड करते हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को, जिसमें क्या होता है कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैंसर में। रिसेप्टर ट्रांस में टायरोसिन काइनेज जो होता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जिसमें क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर डोमेन होता है और एक साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज डोमेन होता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेट कैसे होता है, एक्टिवेटेड ट्रांसिएंटली बाई बाइंडिंग टू, कैसे से बाई बाइंडिंग टू स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर, और ये क्या कर देता है दिस इंड्यूस ए रैपिड चेंज इन रिसेप्टर कॉन्फिग्रेशन। इससे क्या होता है रिसेप्टर कॉन्फिग्रेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो किसमें चेंज हुआ था, टू एन एक्टिव डाइमर फॉर्म। उसके बाद जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर होता है उसके बाद क्या करते हैं, तो जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर होता है एक्टिवेटेड रिसेप्टर क्या कर लेता है, देन ऑटो फॉस्फोराइलेट, ऑटो फॉस्फोराइलेट कर लेता है, ऑटो फॉस्फोराइलेट टायरोसिन रेसिड्यू, ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर है वो ऑटो फॉस्फोराइलेट कर लेता है टायरोसिन रेसिड्यू को इन इट्स ओन इंट्रासेलुलर ट्रेल, अपने ही इंट्रासेलुलर ट्रेल में। और उसके बाद क्या है कि दिस मॉडिफाइड रेसिड्यू जो होते हैं वो सर्व करता है एज साइट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल रास एंड PI3K, ठीक है ना। तो ये की प्लेयर होते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग। उसके बाद क्या क्या बोलता है कि जो ऑन्कोजेनिक वर्जन होता है, ऑन्कोजेनिक वर्जन ऑफ दिस रिसेप्टर, ये क्या होता है, दे आर एसोसिएटेड विथ म्यूटेशन, एसोसिएटेड विथ म्यूटेशन, वो भी क्या लीड कर देता है कंस्टिट्यूटिव ग्रोथ फैक्टर इंडिपेंडेंट टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी दैट लीड टू कॉन्स्टिट्यूटिव ग्रोथ फैक्टर इंडिपेंडेंट टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। इसलिए क्या होता है, जो म्यूटेटेड रिसेप्टर होता है वो डिलीवर करता है म्यूटोजेनिक सिग्नल टू द सेल इवन इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर टू द एनवायरनमेंट। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है कि जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होते हैं क्या ना, वो क्या होता है, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेट हो जाता है इन ट्यूमर, एक्टिवेटेड इन ट्यूमर, कैसे, बाय द मल्टीपल मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि होते हैं पॉइंट म्यूटेशन,
जीन का रीअरेंजमेंट, ठीक है, देन जीन एम्प्लीफिकेशन। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है कॉन्सेंट्रेटिवली एक्टिव रहते हैं ट्यूमर में, ठीक है ना। कैसे? मल्टीपल मैकेनिज्म से, जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन से, जीन रीअरेंजमेंट से, जीन एम्प्लीफिकेशन से। आफ्टर वी गोइंग टू लुक द सम ऑफ द ऑन्कोजेनिक म्यूटेशन जो कि इन्वॉल्व, मतलब कि जो दैट वी गोइंग टू लुक दैट, लाइक एग्जांपल लाइक ई आर BB1, दिस इनकोड किसके लिए? EGFR, इपिथेलियोसाइट रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद सेबरल डिफरेंट ERBB1 पॉइंट म्यूटेशन, दिस आर फाउंड इन लंग एडिनोकार्सिनोमा and this produce constitutive activation of EGFR tyrosine kinase। तो क्या हुआ, ERBB1 जो है वो इनकोड करता है EGRF को, ठीक है ना। अलग अलग सेवरल डिफरेंट ERBB1 जो है उसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है जो कि फाउंड होता है लंग के एडिनोकार्सिनोमा में, ठीक है। तो लंग एडिनोकार्सिनोमा में क्या होगा, ERBB1 पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है ना। और ERBB1 जो होता है इनकोड करता है एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, और ये प्रोड्यूस करता है क्या, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ EGRF टायरोसिन काइनेज। तो ये प्रोड्यूस करता है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ EGFR टायरोसिन काइनेज। उसके बाद देन देयर इज ERBB2, दिस इनकोड किसको करता है, डिफरेंट मेंबर ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जैसे कि एग्जांपल में आप देख लो HER2, ठीक है। ये पॉइंट म्यूटेशन एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है ना। ERBB2 जो जीन होता है ये बेसिकली एम्प्लीफिकेशन से होता है, एम्प्लीफाइड इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा, जिससे क्या होता है कि देर इज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ HER2 रिसेप्टर, देर इज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ HER2 रिसेप्टर and constitutive tyrosine kinase activity। उसके बाद फिर क्या होता है, ALK जो होता है, this is a receptor tyrosine kinase होते हैं, okay। फिर ये जो कि प्रोड्यूस होता है, दिस में भी प्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवली फॉर्म, ठीक है ना। कैसे होता है, ऐसे रिजल्ट ऑफ जीन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, दिस इज प्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव फॉर्म, ठीक है। इट इज ऐसे रिजल्ट ऑफ जीन रीअरेंजमेंट, ओके। और जैसे कि एग्जांपल, जैसे अगर आप देखते हो तो जैसे लंग कार्सिनोमा की बात करते हैं, लंग एडिनो कार्सिनोमा, फिर से देर इज ए डिलीटेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, ओके। तो क्रोमोसोम 5 का डिलीटेशन हो जाता है, दिस फ्यूजेस पार्ट ऑफ ALK जीन विथ अनदर जीन जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज EML4। तो इससे क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इससे क्या वो होता है EML4 और ALK फ्यूजन, ठीक है, जो कि बनाता है EML4 ALK प्रोटीन, ठीक है। वो भी विथ कॉन्स्टिट्यूटिव टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, तो फ्यूजन हो जाता है। एंड दिस बिल जो ई एम एल फोर ए एल के फ्यूजन जो जीन है, ठीक है ना,
ये इनकोड करता है, दिस इनकोड काइमेरिक EML4 एंड ALK प्रोटीन, ठीक है, और विथ कॉन्स्टिट्यूटिव टायरो, मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी भी होता है। दिस वॉज अ थिंग। आफ्टर दिस बिल हम लोग देखेंगे कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर विथ ERBB2 एम्प्लीफिकेशन एंड उस और क्या क्या और ओवर एक्सप्रेशन ऑफ HER2, मतलब कि जैसे ERBB2 जो था वो इनकोड करता था मेंबर ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फैमिली दैट इज HER2। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है जो विथ ERBB2 एम्प्लीफिकेशन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ HER2, दिस रिस्पॉन्ड बेल टू एंटीबॉडीज, रिस्पॉन्ड मतलब रिस्पॉन्ड बेल टू एंटीबॉडीज को बेल रिस्पॉन्ड करता है, और ड्रग्स जो कि दैट इनिबिट करता है, और ड्रग्स दैट इनिबिट HER2 एक्टिविटी। तो क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर जो अगर विथ जो अगर ERBB2 एम्प्लीफिकेशन होता है और ओवर एक्सप्रेशन होता है HER2 का, ये रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना, किससे, एंटीबायोटिक से या फिर ड्रग से जो कि इनिबिट करता है HER2 एक्टिविटीज़ को, ओके। और जो ये इनिबिटर्स होते हैं क्या करते हैं, जो इनिबिटर होता है ये सिर्फ नॉट ओनली ब्लॉक ट्यूमर ग्रोथ, ये सिर्फ ट्यूमर ग्रोथ को नहीं ब्लॉक करते हैं बट ऑल्सो दिस इंड्यूस एपोप्टोसिस एंड ट्यूमर रिग्रेशन। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा कि हाँ ये इनिबिशन होता है, तो इनिबिशन सिर्फ ट्यूमर की ग्रोथ को ही नहीं ब्लॉक कर देता है बट ऑल्सो ये इंड्यूस कर देता है एपोप्टोसिस को और ट्यूमर को रिग्रेशन भी करवाता है, ठीक है। तो इनिबिशन सिर्फ ट्यूमर ग्रोथ को नहीं रोकता है बट ऑल्सो ये इंड्यूस करता है ट्यूमर एपोप्टोसिस को और ट्यूमर के रिग्रेशन को, ठीक है। एंड दिस रिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ टायरोसिन काइनेज, रिफ्लेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है ना, ताकि क्या कर सके, टू एग्यूमेंट सेल सर्वाइवल एज वेल एज प्लोरिफिकेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट करता है कि एबिलिटी ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को, ताकि एग्यूमेंट कर सके सेल के सर्वाइवल को एज वेल एज प्लोरिफिकेशन को। और इनिबिटर जो कि EGFR और ALK जो इसकी इनिबिटर्स होंगे वो प्रोड्यूस करता है सिमिलर थेरेपेटिक रिस्पॉन्स इन पेशेंट विथ लंग कार्सिनोमा, ठीक है ना, जो हार्बोर करते हैं ERBB1 म्यूटेशन और EML4 एंड ALK फ्यूजन जीन। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखता है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो टारगेटेड थेरेपी हैं यूजली मतलब कि क्यूरेटिव नहीं होते हैं, जब अगर कैंसर एडवांस हो गया तो उसमें क्यूरेटिव नहीं होते हैं, और ट्यूमर सेल जो कि विद स्टैंड करता है थेरेपी टिपिकली ये फाउंड होते हैं टू हैव अदर एक्वायर्ड म्यूटेशन, ठीक है ना। ट्यूमर सेल मतलब कि जो विद स्टैंड करते हैं थेरेपी टिपिकली और फाउंड टू हैव अदर एक्वायर्ड म्यूटेशन, जो कि साइड स्टेप होता है कि मतलब इफेक्ट के कारण ऐसा हो जाता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, ठीक है, मैं ये अनफॉर्चुनेटली वाला बात का एग्जांपल, जैसे अगर हम लंग कैंसर की बात करते हैं, लंग कैंसर जो कि दैट डेवलप रेजिस्टेंस किसके लिए, टू EGFR, ठीक है ना, जो कि ERBB1 वाला जो जीन वन कोड कर रहा था, तो EGFR इनिबिटर से जो रेजिस्टेंस अगर कोई ये होता है, ठीक है ना, दे ऑफ्टन हैव म्यूटेशन इन EGFR, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं दैट प्रिवेंट इनिबिटर, जो कि प्रिवेंट करता है इनिबिटर को फ्रॉम बाइंडिंग, जो कि इनिबिटर को बाइंड करने में वैसे प्रिवेंट करता है, और फिर क्या करता है, और एम्प्लीफिकेशन करवा देता है, एम्प्लीफिकेशन इन एन जीन जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड MET, जो कि इनकोड करता है, विच इनकोड दैट इनकोड एट अनदर
रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है पॉइंट कि डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट ऑफ द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग पाथवे। तो नाउ वी आर गोइंग टू लुक द डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग पाथवे। तो इसमें हमने क्या देखा है कि जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है ये क्या कर देता है, इसका जो एक्टिवेशन होता है, दिस एक्टिवेशन स्टिमुलेट रास, ठीक है ना, रास को स्टिमुलेट कर देता है और एंड टू मेजर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग आर्म को भी स्टिमुलेट कर देता है। इसमें से कौन कौन से आते हैं, एक होता है MAP के मैप के कैस्केड, और एक होता है PI3K या फिर AKT पाथवे। तो हम क्या देख रहे हैं, डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है, डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग पाथवे। तो इसमें क्या है, जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है उसका एक्टिवेशन स्टिमुलेट कर देता है RAS को, ठीक है ना, और एंड टू मेजर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग आर्म को, एक है मैप के कैस्केड और एक है PI3K या फिर AKT पाथवे को, ठीक है। अब इन लाइन विद द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पाथवे, मतलब कि ये जो पाथवे है, ठीक है ना, इन लाइन विद द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पाथवे इन द मीडिएटिंग, मतलब कि इनकी जो पाथवे है ये सेल ग्रोथ में इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है, सेल ग्रोथ में इम्पोर्टेंस है, फिर रास में, PI3K में और अदर कंपोनेंट ऑफ दिस पाथवे, मतलब कि और अदर कंपोनेंट ऑफ दिस पाथवे किसमें इन्वॉल्व होता है, अदर कंपोनेंट ऑफ दिस पाथवे दे आर फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्ड इन बाय गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब रास म्यूटेशन प्रेजेंट होता है ट्यूमर में, दैट इज प्रेजेंट इन ट्यूमर, तो इससे क्या, तो फिर क्या होता है कि एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ये ऑलमोस्ट ऑलवेज एब्सेंट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि सच ट्यूमर एक्टिवेटेड रास इट कैन कॉम्प्लीट, एक पूरा का पूरा कैन कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट फॉर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, दस की लंग कार्सिनोमा जो होता है फॉल करता है इनटू म्यूचुअली एक्सटेंसिव मॉलिकुलर सब टाइप, जो कि एसोसिएटेड होता है म्यूटेशन, जो कि इन्वॉल्व करता है रास को, वेरियस टायरोसिन काइनेज जीन को, एंड इनसाइड जो कि इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होता है फॉर टारगेटेड थेरेपी इन द टाइप ऑफ कैंसर। उसके बाद पॉइंट आता है कि जो पॉइंट म्यूटेशन ऑफ रास फैमिली जीन ये कंस्टिट्यूट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी इन्वॉल्विंग प्रोटो ऑन्कोजीन इन ह्यूमन ट्यूमर।
क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट म्यूटेशन होता है रास फैमिली जीन का, ठीक है ना, वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी होता है जो कि इन्वॉल्व करता है प्रोटो ऑन्कोजीन को इन ह्यूमन ट्यूमर। इसमें हम लोग लिखे हैं कि जो रास जीन होता है, इसमें बेसिकली रास जीन, जैसे हमने लिखा ना पॉइंट म्यूटेशन रास फैमिली जीन का होता है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी जो कि इन्वॉल्व करता है प्रोटो ऑन्कोजीन इन ह्यूमन ट्यूमर। जो रास जीन होता है, ओके, ये देर आर थ्री इन ह्यूमन, ह्यूमंस में तीन होते हैं, कौन कौन सा, एच रास, आफ्टर दैट के रास, आफ्टर दैट एन रास, ठीक है। जो रास प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, दे आर द मेंबर ऑफ, दे आर मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड स्मॉल जी प्रोटीन जो कि बाइंड करता है, दैट बाइंड, जो कि बाइंड करता है गोनोसिल न्यूक्लियोटाइड, मतलब जीडीपी से, एंड जीडीपी से। विल कंटिन्यू दिस इन फर्दर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।